एक और बड़ी जानकारी, भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है मालदीव। जी हां, भारत को लेकर मालदीव के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं, नरम हो गए हैं। भारत पर मालदीव ने अपनी चाल बदल ली है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे, मालदीव का कहना है। भारतीयों से मालदीव की इकोनॉमी में योगदान करने की अपील की जा रही है। भारत के बॉयकॉट के बाद से मालदीव का टूरिज्म बेहाल हो चुका है। इससे पहले भी ये खबरें आई थी, क्योंकि संकेत लगातार मिल रहे हैं कि मालदीव अब बैकफुट पर आता हुआ दिख रहा है। भारत के साथ रिश्तों में अगर खटास आती है तो नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत से तनाव के चलते मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है और इसका असर द्वीप समूह देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मालदीव के पर्यटन मंत्री ने सोमवार को भारतीयों से उसकी इकोनॉमी में योगदान करने की अपील की है। एक इंटरव्यू के दौरान इब्राहिम फैसल ने अपने देश और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास रहा है, हमारी नई सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। हमने हमेशा शांति और मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा दिया है। यहाँ के लोग और सरकार भी भारतीयों के आगमन का गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। मालदीव के नेता इब्राहिम फैसल ने यह भी कहा कि पर्यटन मंत्री के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि कृपया भारतीय हमारे देश को अपने टूर का हिस्सा बनाएं। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल 6 जनवरी को अपने एक्स हैंडल पर भारत के पश्चिमी तट पर प्राचीन लक्षद्वीप द्वीपों की तस्वीरें और वीडियो साझा किए थे। इसे लेकर मालदीव के 3 अधिकारियों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। इसके बाद भारत की ओर से मालदीव पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई मशहूर हस्तियों ने भी मालदीव घूमने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया था और इसका नुकसान भी मालदीव को उठाना पड़ रहा है। और ये कहा जा रहा है वहाँ के मंत्री की ओर से कि क्योंकि अर्थव्यवस्था मालदीव की पर्यटन पर ही निर्भर करती है, इसलिए अब वो बैकफुट पर है और भारतीयों से अपील की जा रही है कि वो मालदीव आए, यहाँ पर अपना टूर जो उन्होंने पहले कैंसिल कर दिया था उसे फिर से बहाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मालदीव का दौरा करें। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रूसी राष्ट्रपति